हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा स्विट्जरलैंड के बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन ग्रिंडलवाल्ड से बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात एक बेहद जहीन नाम की, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो चुका है, और वो नाम है शब्दों के जादूगर गीतकार नक्श लायलपुरी साहब का। नक्श साहब से पहली बार मैं अंधेरी पश्चिम के आरामनगर के उनके घर पर इंटरव्यू के सिलसिले में करीब 18 साल पहले मिला था। उसके बाद फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के ऑफिस में और एजीएम में अक्सर उनसे मिलना जुलना होता रहा। उस दौरान वो आरामनगर से ओशिवरा में शिफ्ट हो गए थे। उनके ओशिवरा वाले घर पर भी मेरा जाना आना होता रहा। 24 फरवरी 1928 को लायलपुर पाकिस्तान में जन्मे नक्श साहब की जिंदगी का एक लंबा हिस्सा संघर्षों से भरा रहा। वो 10 महीने के थे जब उनकी मां गुजर गई। पत्नी की मृत्यु के बाद पिता को दूसरी शादी कर लेनी पड़ी। पिता इंजीनियर थे, उनका जॉब ट्रांसफरेबल था, इसलिए 8वीं के बाद नक्श साहब को लायलपुर के एक हॉस्टल में दाखिला दिला दिया गया और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। दरअसल उर्दू के टीचर रामलाल जी की प्रेरणा से नक्श साहब का रुझान साहित्य की ओर होने लगा था, लेकिन पिता चाहते थे कि उनकी तरह नक्श साहब भी इंजीनियर बने, और इसीलिए पिता के दबाव में आकर नक्श साहब को साइंस सब्जेक्ट्स लेने पड़े। किसी तरह उन्होंने 12वीं ही तो पास कर ली, लेकिन उसके बाद वो लाहौर जाकर एक उर्दू अखबार में नौकरी करने लगे और इस तरह उनकी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। बंटवारे के बाद नक्श साहब के पिता परिवार को साथ लेकर लखनऊ चले आए। घर में पिता के अलावा मां और 2 छोटी बहनें भी थी। पिता का काम नहीं जमा तो नक्श साहब पर दबाव पड़ने लगा कि वो भी कुछ कमाना शुरू करें। नक्श साहब कहते थे, जब बहुत कोशिशों के बाद भी मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला तो एक रोज बिना किसी को कुछ बताए मैंने घर छोड़ दिया और खाली हाथ और खाली जेब बिना टिकट में मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। ये साल 1949 की गर्मियों का वाकया है। मुंबई के दादर में नक्श साहब के एक पेन फ्रेंड प्रदीप नैयर रहते थे, जो फिल्म डायरेक्टर थे। ट्रेन दादर में रुकी तो नक्श साहब ट्रेन से उतरकर प्रदीप नैयर के पते पर पहुंचे। वहां दरवाजे पर उन्हें ताला लटका मिला। पता चला प्रदीप नैयर पूना गए हुए हैं और 15 दिनों बाद लौटेंगे। नक्श साहब कहते थे, अब मैं सड़क पर था, अनजान शहर, अजनबी लोग और मैं बिल्कुल भूखा प्यासा। सामने से एक बुजुर्ग सरदार जी आते दिखे तो मैंने उनसे आसपास किसी सराय के बारे में पूछा जहां मैं ठहर सकूं। सरदार जी ने मुझे माटुंगा के गुरुद्वारे का पता दिया। मैं गुरुद्वारे पहुंचा तो वहां मेरी मुलाकात कुलदीप सिंह जी से हुई। कुलदीप सिंह जी भी लखनऊ के रहने वाले थे और अपनी मोटर पार्ट्स की दुकान की खरीदारी के लिए मुंबई आए हुए थे। कुलदीप सिंह जी ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मुझे साफ कपड़े दिए, साबुन दिया, गुरुद्वारे में मेरे ठहरने का इंतजाम एक हफ्ते के लिए और बढ़वाया, और जब वो वापस लौटने लगे तो उन्होंने मुझे 20 रुपए भी दिए, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। कुलदीप सिंह जी का यह एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। गुरुद्वारे में नक्श साहब के ठहरने का समय खत्म होने ही वाला था कि एक रोज पान की एक दुकान पर अचानक उनकी मुलाकात लाहौर के अपने एक दोस्त दीपक आशा से हो गई। दीपक आशा साल 1946 में बनी फिल्म पराये बस में के खलनायक थे। आगे चलकर दीपक आशा ने धर्म कुमार के नाम से घमंड, रोड नंबर 303, संगदिल और मर्डर ऑन हाईवे जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया। दीपक आशा नक्श साहब को अपने घर ले गए और इस तरह नक्श साहब का मुंबई शहर में ठहरने का इंतजाम भी हो गया। नक्श साहब बताते थे,
उन्हीं दिनों डाक तार विभाग में नौकरी मिली तो मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई, लेकिन नौकरी में मन नहीं लगा इसलिए साल भर में ही इस्तीफा दे दिया। फिर हम कुछ दोस्तों ने मिलकर एक नाटक तैयार किया। उस नाटक में राम मोहन भी एक रोल कर रहे थे। राम मोहन जी उन दिनों अंडर प्रोडक्शन फिल्म जग्गू में डायरेक्टर जगदीश सेठी को असिस्ट भी कर रहे थे। राम मोहन के जरिए मेरी मुलाकात जगदीश सेठी जी से हुई तो उन्होंने मुझे इस फिल्म में एक कैबरे गीत तू मेरा है मैं तेरी हूं दिल लेता जा लिखने का मौका दिया। ये फिल्म साल 1952 में रिलीज हुई थी और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे हंसराज बहल। उर्दू शायरी में हमेशा ही नाम या तखल्लुस के आगे शहर का नाम लगाने की परंपरा रही है। इसी के चलते मैं लाहौर में ही अपने असली नाम जसवंत राय शर्मा की जगह नक्श लायलपुरी हो चुका था। इधर मेरे पिताजी को पता चल गया था कि मैं मुंबई में हूं। साल 1953 में लखनऊ के ही मेरे एक दोस्त की बहन से मेरी शादी हो गई और इस तरह घर वालों के साथ मेरे संबंध भी सामान्य हो गए। फिल्म जग्गू के हिट होने के बावजूद नक्श साहब को हिंदी फिल्मों में गीत लिखने के ऑफर्स या तो आते ही नहीं थे और अगर कभी कभार आते भी थे तो वो सी ग्रेड स्टंट फिल्मों के, जिन्हें नक्श साहब ठुकरा देते थे। वो कहते थे, एक रोज तंग आकर मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, एक वो लोग हैं जिन्हें काम आता ही नहीं है, एक वो जिन्हें काम आता है लेकिन मिलता नहीं है, और एक आप हैं जिन्हें काम आता भी है और मिलता भी है लेकिन आप करना ही नहीं चाहते। पत्नी की यह बात सुनकर मुझे बहुत झटका लगा और उसके बाद मुझे बी सी ग्रेड की जैसी भी हिंदी फिल्में मिलती गई मैं उनमें गीत लिखता चला गया। इन्हीं में से एक थी चोरों की बारात। इस फिल्म के निर्देशक वही प्रदीप नैयर थे जो मेरे पेन फ्रेंड थे और मुंबई पहुंचने पर मैं दादर स्थित जिनके घर पर सबसे पहले पहुंचा था और जहां मुझे ताला लटका मिला था। फिल्म चोरों की बारात के 5 गीतकारों में मेरे अलावा गुलजार दीनवी भी शामिल थे जो आगे चलकर गुलजार के नाम से मशहूर हुए। हम दोनों ने इस फिल्म में एक एक गीत लिखा था। मैंने लिखा था ले मार हाथ पे हाथ गोरिए और गुलजार दीनवी ने ये दुनिया है ताश के पत्ते इसको करो सलाम। नक्श साहब की ये बात गुलजार साहब के उस दावे को झुठलाती है कि उनका पहला फिल्मी गीत साल 1963 की बंदिनी का मोरा गोरा अंग लैले था। गुलजार साहब के इस झूठे दावे की हकीकत इस चैनल के एपिसोड नंबर 1 में विस्तार से सबूतों के साथ रखी गई है। उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नक्श साहब ने करीब 40 पंजाबी फिल्मों में भी 350 से ज्यादा गीत लिखे। इसके साथ ही उनका हिंदी फिल्मों के लिए गीत लेखन भी लगातार जारी रहा, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली साल 1970 की म्यूजिकल हिट फिल्म चेतना से। खासतौर से इस फिल्म का मुकेश का गाया गीत मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा आज भी उतना ही लोकप्रिय है। और इसके साथ ही नक्श साहब के करियर ने रफ्तार पकड़ ली। उन्हें अपने दौर के तमाम नामी संगीतकारों के साथ काम करने का मौका मिला और उनके लिखे गीत लगातार हिट होते चले गए, जैसे रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, कई सदियों से कई जन्मों से उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ, तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे ये मुलाकात एक बहाना है, माना तेरी नजर में तेरा प्यार हम नहीं, चांदनी रात में हर बार तुम्हें देखा है, तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है, कदर तूने ना जानी ना जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, चिट्ठिये नी और मुमताज तुझे देखा। एक वक्त था जब नक्श लायलपुरी साहब के ऊपर पंजाबी फिल्मों के गीतकार का ठप्पा इस हद तक लगा हुआ था कि फिल्म
प्यार का बंधन में रवि के संगीत में साहिर लुधियानवी का लिखा गीत घोड़ा लाहौरी मेरा तांगा पिशौरी मेरा लंबे समय तक आकाशवाणी पर नक्श साहब के नाम से बजता रहा, क्योंकि उस गीत में पंजाबी के अल्फाज की भरमार थी। वहीं दूसरी तरफ रोशन के संगीत में फिल्म मधु का नक्श साहब का लिखा गीत धानी चुनर मोरी हाय रे जाने कहां उड़ी जाए रे शैलेंद्र के नाम से आकाशवाणी पर बजता रहा। नक्श लायलपुरी साहब के परिवार में पत्नी के अलावा तीन बेटे हैं, जिनमें दूसरे नंबर के बेटे राजन लायलपुरी फिल्मों से जुड़े हुए हैं। वो एक सिनेमेटोग्राफर होने के साथ साथ एक बेहतरीन लेखक भी हैं। पंजाबी फिल्म वतना तो दूर राजन लायलपुरी की ही कहानी पर बनी थी। नक्श लायलपुरी साहब का निधन 22 जनवरी 2017 को 89 साल की उम्र में मुंबई में हुआ। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार नक्श लायलपुरी साहब के संघर्ष की, उनकी सफलताओं की। नक्श साहब के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में, डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दी।